स्वागत है आप सभी का सच की आवाज न्यूज में। मैं हूं मतशा सरार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और देश की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर के प्रायोजक है बेस्ट क्वालिटी केक के लिए फेमस बेकर्स प्राइड। मनसे विद्यार्थी सेना और परिवर्तन फाउंडेशन की ओर से सभी प्रकार के 55 वाहन चालकों के लिए 1,00,000 का जीवन बीमा कराया गया। परिवर्तन फाउंडेशन का यह उद्देश्य है कि जीवन हर किसी का अनमोल है। भिवंडी शहर में ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने के बाद लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। भिवंडी के पिरानीपाड़ा में समाज सेवक नदीम खाटी मीटी ने स्वर्गीय अकील अब्दुल खाटी मीटी की याद में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी बीमारी का इलाज करवाया। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 47 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सामान से लदे ट्रक में लगी अचानक आग, आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। पटना के छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश संदिग्ध हालत में मिली, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में एक सामाजिक कार्यकर्ता की अंधाधुंध फायरिंग करके बदमाशों ने हत्या कर दी। लखनऊ में गैस पाइपलाइन फटने की वजह से अमोनिया के रिसाव से 2 मजदूरों की हुई मौत। बेकर्स प्राइड द केक शॉप, जहां पा सकते हैं चीज एंड मूस केक्स, ब्रेड्स, कुकीज, मफिन्स, वेज नॉन वेज पास्ता, साथ ही सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा एंड मच मोर। हम देते हैं ताजा और बेहतरीन चीजें और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधाएं भी। एड्रेस शॉप नंबर G6, बागे यूसुफ रेसिडेंसी, चाविंदा नाशिक हाईवे, भिवंडी। पटना के छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश संदिग्ध हालत में मिली, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में हुआ दर्दनाक हादसा, तेल निकालने वाली मशीन में फंसकर 11 साल के बच्चे की हुई मौत। प्रदेश के राजगढ़ में गौशाला में 1 महीने में 100 गायों की हुई मौत, खबर मिलते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। कानपुर में दरोगा ने चौकी में बुलाकर 2 लेखपालों की पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद किया गया सस्पेंड। अलीगढ़ में आपस में टकराई 2 बसें, 4 लोगों की मौत, 24 घायल। मुजफ्फरपुर में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, 3 दिन से लापता था युवक। कोरोना के मामलों में फिर से उछाल, पिछले 24 घंटों में देश में सामने आए 18,711 नए कोरोना मामले। और इसी तरह देश की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही आज की यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।